हेलो दोस्त, आज से 4-5 दिन पहले हम लोगों ने बात किया था कि आरआरबी में मॉडिफिकेशन लिंक में बहुत डिले कर रहा है। उसका एक रहस्य था कि कुछ न कुछ अंदर चेंज हो रहा है। हमें लगा आरआरबी एक साथ ज़्यादा चेंज करने का ऑप्शन दे देगा क्या, तो शायद वैसा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ और ही हुआ। यानी जो टाइम डिले हो रहा था वो दूसरे काम पे हो रहा था। जब से 4-7 को वैकेंसी इंक्रीज हुई थी तब से एप्लीकेशन स्टेटस पे काम हो रहा था। हालांकि न्यूज़ था कि कुछ न कुछ हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता था एप्लीकेशन स्टेटस चेक किया जा रहा है। तो एप्लीकेशन आपका एक्सेप्टेड हुआ है, रिजेक्टेड हुआ है, उसका डिटेल आ गया है और आपकी मॉडिफिकेशन का लिंक 29/7 से 7/8 तक आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पर जाके। तो आज है 22/7, अभी 2-3 दिन और लगेगा और शायद किसी का डाटा अपडेट नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट का अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो रोने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। वैकेंसी कम थी, अधूरे मन से बहुत लोगों ने भरा है, लेकिन वैकेंसी बढ़ गई है और कैंडिडेट उतना ही रह गए, क्योंकि कोई नए कैंडिडेट को आरआरबी में अप्लाई करने का मौका तो दे नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पर रेशियो पर वैकेंसी कैंडिडेट बहुत कम होंगे और सिलेक्शन की चांसेस ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें एक डिफिकल्ट हो रहा है लोगों के लिए। और आरआरबी एलपी रिक्रूटमेंट 2024 कुल मिला के अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सेप्ट हुआ है उसमें साथ में कंडीशन लिखा हुआ है तभी अभी अच्छी बात है, उसको आप करेक्ट कर लेंगे। लेकिन डायरेक्ट रिजेक्ट हो गया है तब दिक्कत है, आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ऐसे बहुत कम लोगों का होना चाहिए, लेकिन इशू ये है कि कम भर्ती देख के लोगों ने अधूरे मन से बहुत लोगों ने भरा है। ये डर लग रहा है मुझे, एप्लीकेशन स्टेटस आएगा उस दिन पता चलेगा कि कितना लोगों का क्या था। तो वेबसाइट पर आएंगे, वेबसाइट पर आने के बाद आपको दिखेगा, कोई सभी वेबसाइट पे जाइए। कुछ पे तो अभी चंडीगढ़ पे अपडेट नहीं हुआ है, मैं चंडीगढ़ देख रहा था अपडेट नहीं मिला, लेकिन जैसे ही गुवाहाटी पे आया मुझे अपडेट ये मिल गया। और सारे आरआरबी पे हमने चेक नहीं किया, तो एक ही जो दो जगह से देखना था। यहाँ आप पूरा ध्यान से देखिएगा, गलती नहीं करना है, बहुत सही चीज़ें लिखा हुआ है जिसमें कहा गया है कि जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और रिजेक्टेड होंगे वह स्टेटस भी मिल जाएगा, और जो एलिजिबल या एक्सेप्टेड एप्लीकेशन होगा उन्हीं को केवल एक्सरसाइज करने या मोडिफाई करने का ऑप्शन मिलेगा। तो इस लाइन से तीन चीज़ हम लोग निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे? तीन चीज़ निष्कर्ष। पहला ये है कि आपकी स्टेटस आ गई है। स्टेटस में क्या दिखेगा आपका? एप्लीकेशन एलिजिबल है या रिजेक्टेड है, एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, ये मिल जाएगा। यानी दो अलग अलग भाग मिल जाएगा आपका, यानी स्टेटस में दो, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड मिल जाएगा। लेकिन एक्सेप्टेड में भी दो आगे बढ़ के मिलेगा, जो नीचे आप पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा आपको कि एक्सेप्टेड विथ कंप्लीट फॉर्म और एक्सेप्टेड विथ कुछ रिमार्क आएगा। तो ये तीन चीज़ें आपको यहाँ से मिल गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो लोग का एक्सेप्टेड है उसी को आरआरबी चेंज करने का मौका मिलेगा। तो दूसरा कंडीशन क्या बन रहा है? नए कैंडिडेट को इस फॉर्म में एएलपी अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि नहीं मिल रहा है। और तीसरी कंडीशन ये हो गई कि आप एक्सेप्टेड हो गए हैं तो आप अपने मन पसंद से आरआरबी चूज कर सकते हैं। हालांकि मेरा तो मन नहीं जा रहा है कि आरआरबी चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर हो जाएगा। तो आरआरबी चूज करना आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप अपनी बुद्धि से अपने समझ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिटेल में आपका तीनों चीज़ का, यहाँ जो मैंने पहले लाइन में बताया वही चीज़ लिख दिया है। प्रोविजनली आप एक्सेप्टेड हैं, एक्सेप्टेड हैं लेकिन कुछ कंडीशन है, रिजेक्टेड विद रीजन है, ये तीन ही कारण होगा। तीनों कारण को आपको लॉगिन करने के बाद दिख जाएगा। तो दो कारण तो आपके लिए खुशियाँ हैं, एक पहला और दूसरा, लेकिन रिजेक्ट हो गया तो कारण अगर लिखा हुआ है वो बहुत भयानक होगा कैंडिडेट का, क्योंकि 19 लाख के आसपास ही फॉर्म भरे हैं और 19,000 वैकेंसी हो गई है। तो अच्छा खासा कैंडिडेट का ऑप्शन था, उसमें भी आपको 15 गुना सी BT2 में फिर साइको टेस्ट है, तो बहुत सारे ऑप्शन बनते हैं। जो कैंडिडेट का जो स्टेटस होगा वो भी मेल कर दिया जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल से, ईमेल आईडी से भी। उसके बाद आपको सारा चीज़ बनाने में सही किया गया, अगर कोई गलती है तो उसको आपको थोड़ा ध्यान से आपको करस्पॉन्डेंट करेगा। लिंक कब तक एक्टिव होगा? तो 19 तारीख से एक्टिव होगा, रात को 29 तारीख है सॉरी, और आपका 7-8 तक के रात में चलेगा। जो 10 दिन की बात किया था वो लगभग 10 दिन ये दिया हुआ है, जिसमें आप आरआरबी चेंज फर्दर मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये लास्ट ऑप्शन है, ये कर लीजिएगा। अब वैकेंसी बढ़ेगी नहीं। उसके बाद कैंडिडेट को एलिजिबल एक्सेप्टेड कंडीशन, ये जो पूर्व
आपका है, प्रोविजनल है, अगर बाद में कोई डिफिशियंसी मिलेगा तो उनको भी हटाया जा सकता है। कैंडिडेट को वेबसाइट देखने का मौका दिया जाता है, हेल्प डेस्क के लिए आपकी सारी डिटेल दी जाती है, 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक लंच आवर छोड़ के आप फ़ोन करके आप डिस्कस कर सकते हैं। और कहा जाता है कि किसी भी आप बहुरूपीय से परेशान नहीं हुईए, पेपर से नहीं दीजिए, आरआरबी में सिलेक्शन वगैरह एकदम प्योरली कंप्यूटर बेस और आपके सिलेक्शन मेरिट बेस पे होता है, ये ऐसा कहा गया है। ये डिटेल है, चेयरपर्सन का डिटेल आ गया है। तो ये कुल मिला के कहें तीनों चीज़ों को देख के एक लग रहा है कि एग्ज़ाम का कब होगा। तो लग पूछेंगे कि सीबीटी का एक्सपेक्टेड डेट क्या होगा, तो देखिए अगस्त में तो लास्ट ही में दिख रहा है, क्योंकि अभी 7 तारीख तक तो गया, 7 तक तो पेपर नहीं होगा, 7 के पहले या आसपास में नोटिस आ सकता है कम से कम की बात करें। और नोटिस में कम से कम 15 से 20 दिन, ऐसे जनरली तो 30 दिन का टाइम दिया जाता है। तो अगस्त का लास्ट या सितंबर में आपका एग्ज़ाम, इससे पहले तो होता हुआ दिख नहीं रहा है, ये एग्जेक्टेड है। क्योंकि आप जोड़ लीजिएगा कि 7 तक तो आपका लिंक होगा, नोटिस आएगा तो 20 दिन और दे दिया तो 27 अगस्त हो जाएगा, तो करीब करीब यहाँ तक तो आपका एग्ज़ाम होता दिख नहीं रहा है। तो अगस्त के लास्ट में 2-4 दिन हो सकते हैं या सितंबर के शुरुआत में हो सकते हैं, और ये कम से कम है, ज़्यादा का डिले का हमें नहीं पता होता। थैंक यू, धन्यवाद।